नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एसिलॉक आरडी टैबलेट का रिव्यू बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को लो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करते टाइम बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये जो एसिलॉक आरडी टैबलेट मार्केट में आती है, कैडिला कंपनी की आती है। 10 गोली का टैबलेट का पैक रहता है। ये जो 10 गोली का टैबलेट का पैक मार्केट में आता है, इसकी कीमत रहती है 35 रुपये और 50 पैसे, यानी 35 रुपीज़ एंड 50 पैसा। तो पूरी जानकारी लेंगे, दवा क्या चीज़ के लिए चलती है, इसका यूज़ कैसा करना है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है। सबसे पहले दवा डॉक्टर के सलाह के अनुसार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर लेनी चाहिए। ये दवा आपके नज़दीकी केमिस्ट के दुकान में, मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएंगी। इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे, क्या कंटेंट कंपनी ने इसके अंदर डाले है। दोस्तों, इसके अंदर ओमेप्राजोल 20 mg एंड डोमपिरिडॉन 10 mg, बढ़िया कॉम्बिनेशन कंपनी ने किया है। इसके यूजेस के बारे में देखेंगे, क्या चीज़ के लिए चलती है। तो ये जो एसिलॉक आरडी टैबलेट मार्केट में आती है, मेनली आपको एसिडिटी की शिकायत है, आपको हर्टबर्न की शिकायत है, आपको गैस की तकलीफ है, आपका खाना हजम नहीं हो रहा है, आपको उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए मेनली ये दवा यूज की जाती है। आपको नौसिया वोमिटिंग की शिकायत है, तो उसके लिए दवा मेनली यूज की जाती है। दोस्तों, आप ट्रैवलिंग में है, ट्रैवलिंग की वजह से आपको उल्टी जैसा महसूस होता है, एसिडिटी हो जाती है, कभी कभी एसिडिटी की वजह से सर में दर्द होता है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए भी यह दवा यूज की जाती है। बहुत बढ़िया दवा है दोस्तों, बहुत कॉमन दवा है, बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल भी करते हैं और रिजल्ट भी अच्छा पाया जाता है। बहुत कॉमन गोली है दोस्तों एसिलॉक आरडी। इसके साइड इफेक्ट के बारे में देखेंगे, दवा से आपको क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, ये दवा की वजह से आपके पेट में गड़बड़ हो सकती है, स्टमक पेन हो सकता है, डायरिया की शिकायत हो सकती है, और भी कुछ साइड इफेक्ट, रिएक्शन, एलर्जी आपको नजर आती है तो आपके नज़दीकी डॉक्टर से मुलाकात कर सकते हैं। इसके डोसेस के बारे में देखेंगे, कैसा लेना है, कैसा यूज़ करना है। जनरली इसको 2 टाइम यूनिट एक दिन में से 2 बार लेना चाहिए। इसको एम्प्टी स्टमक लिए तो अच्छे रिजल्ट पाए जाते हैं। ऐसे ही आने वाले बहुत से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा। इसलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।